पब्लिक टीवी आपकी आवाज। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहयोग से पीतल नगरी में हस्तशिल्प के उत्थान के लिए स्थापित की गई, जिसमें मुरादाबाद के निर्यातक कारखानेदार और हस्तशिल्पियों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र का औपचारिकरण किया गया, जिससे सभी निर्यातकों कारखानेदारों और हस्तशिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्टर नीरज खन्ना और अवधेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में यस और एमएचए के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मुरादाबाद द्वारा मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के उच्चीकरण के अंतर्गत नव निर्मित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का भ्रमण कर वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को जानकारी संस्थान के महाप्रबंधक डॉक्टर रविन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा दी गयी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अति आधुनिक मशीनों की स्थापना संस्थान के रिसर्च टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में की गयी और सभी निर्यातकों कारखानेदारों एवं हस्तशिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। संस्थान में पहुंचे डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम का बुके देकर स्वागत किया गया। मुरादाबाद शहर के पद्मश्री दिलशाद हुसैन और बाबूराम यादव का माला पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर जफर इस्लाम और अन्य सभी निर्यातक और कारखानेदार तथा हस्तशिल्पियों के इस कार्यक्रम को जेपी सिंह के द्वारा बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालित किया गया। बहुत सारे कार्यक्रम है मुरादाबाद में, उसी के अंतर्गत आज इस मेटल सर्विस सेंटर में भी आया हूँ और यहाँ जो नया एक इंस्टीट्यूट बन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने आया था। जल्दी उद्घाटन उसका होगा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनेगा, उस दिशा में कैसे काम किया जाए उसकी चिंता हम लोग। जैसे सरकार द्वारा के लिए एक जनपद एक उत्पाद, जबकि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से फेमस है, तो सर मुरादाबाद के लिए क्या संदेश है जो युवा हैं हैंडीक्राफ्ट के? देखिए, मुरादाबाद के जो युवा हैं उनको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में आपके जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने पूरे दुनिया में मुरादाबाद का नाम पैदा किया है, पीतल नगरी या ब्रास कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं ब्रास कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हुनर से रिलेटेड, ये नया इंस्टीट्यूट आ रहा है उससे आप जाहिर है और अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए और बढ़ाइए और एक्सपोर्ट में बेहतर से बेहतर ज़्यादा एक्सपोर्ट कीजिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेट को पूरी हर तरह से सपोर्ट है और आपकी जो भी तकलीफें हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान निकालेंगे, लेकिन बिजनेस जो एथिक्स के साथ आप कीजिए हम आपके साथ हैं। ठीक, हमारे सभी एक्सपोर्टर्स आर्टिजन मैन्युफैक्चरर्स को हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उनको सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो सभी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हम एक्सपोर्टर्स को स्किल मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंतर्गत अभी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है। तो स्मार्ट सिटी मिशन से MHSC को काफ़ी अपग्रेड किया गया है ताकि हमारे जो निर्यातक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो सके। सर आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, यहां पर ये चूँकि हमारे डॉक्टर जफर इस्लाम साहब मुरादाबाद के इंचार्ज रहे हैं और राज्यसभा के MP भी रहे हैं, तो इनका मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर को देखने का और जो ODOP के अंतर्गत हमने प्रशिक्षण दिया है उसका टूल किट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज उनकी उपस्थिति थी, ताकि वो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में हम क्या सुविधा उनको दे रहे हैं आर्टिजन एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर को वो उसकी जानकारी उन तक पहुँच सके। अच्छा, कितने सीखने वालों का टूल? देखिए, जहाँ तक प्रश्न टूल किट का है, देखिए हम पिछले 2019 से हर वर्ष 400 लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद हम इनको टूल किट का वितरण करते हैं। तो जो ये वाला जो बैच है इस बैच का भी टूल किट का वितरण अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इनको सभी को जो है एक अच्छी टूल किट दे करके ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। सरकार और राज्य सरकार जैसे जिस संस्थान में आप खड़े हुए हैं ये 1974 में ब्रासवेयर कारपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अस्तित्व में आया था, उसके 9 साल बाद मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। इसके भी लगभग 41 साल हो रहे हैं इस संस्थान के बने हुए। इस संस्थान के माध्यम से हमारे हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को, निर्यातकों को, उद्यमियों को, सभी को जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रदेश सरकार की तरफ से एक जनपद एक उत्पाद योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना,
और तमाम तरीके की एक्सपोर्ट से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हमारे सभी हस्तशिल्पियों को, सभी निर्यातकों को, सभी उद्यमियों को जिस भी तरीके के सहयोग की आवश्यकता है, हर तरीके का सहयोग भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे निर्यात में आने वाली बाधाएँ और हमारे इंटरनल टर्नओवर, इंटरनल जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग हो सकता है सरकार का, वो हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।